थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस की तरफ से एमएसपी बाईपास पर लगाए नाके के दौरान लूटपाट करने वाले दो युवकों को काबू किया गया है। जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी राजेंद्र मनहास ने बताया कि डिवीजन नंबर 2 के थाना प्रभारी देवेंद्र प्रकाश की तरफ से बाईपास एमएसपी थिएटर के पास नाका लगाया गया था। यहां नाके के दौरान लूटपाट करने वाले दो युवकों को काबू किया गया है। उन्हें बताया कि पकड़े गए दोनों युवक ऑटो में अकेली सवारी को अपना शिकार बनाते थे और चलती ट्रेनों में भी वह यात्रियों से लूटपाट करते थे। पकड़े गए युवकों की पहचान गुरप्रीत सिंह बंटी पुत्र महेंद्र पाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वह परवीन और फसोनू पुत्र मनोहर लाल निवासी इंदिरा कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। खास करके जिहड़े भीड़ भड़की वाली जगह सी उत्थों ये मोबाइल खोह लैंदे सी और कई बार चलदी ट्रेन चों मोबाइल खोह के छाल भी मार दिंदे सी। तो इस फिर इनफॉर्मेशन के बिहाव से इन्हों अज अरैसट किया सी। कल दा अरैसट किया होया और इन्हां कोलों 4 अजे मोबाइल रिकवर कर लिया और इन्हां कोलों होर भी सानू रिकवरी होण दी पूरी आस। की सर पहचान इन्हां दी कित्थों रहण वाले? एक तो हैगा जी बंटी है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला, दूजा हैगा जी सोनू है इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला। गिरफ्तार कर लिया ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ? ਲੋਕਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੇਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਡੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੋਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਅਜੇ ਸੈਨਿਕ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।